ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਓਏ ਘਟ ਰਹਿ ਵਸਦੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੋ ਭਵੇਂ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਓਏ ਲੋਕ ਕਹੋ ਸਭਾ देखिए पहले तो हम कटरा शहर में आप सबका स्वागत करते हैं। आपने देखा आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ लोग यात्रियों की, तो हम यही सभी यात्रियों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि हर साल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू है वो शिवखोड़ी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करता है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, और वहाँ 3 दिन का मेला रहता है। इस बार हमने स्टार्ट किया है 1 दिन पहले 9th से ही, ताकि हम चाहते हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसको पता चले कि शिवखोड़ी भी एक हमारा पॉपुलर शिव धाम है जहाँ लोग दर्शन के लिए शिवखोड़ी पे आते हैं। तो हम चाहते हैं सारे टूरिस्ट इन 3 दिनों के मेले का वहाँ पे पार्टिसिपेशन दें और आएँ और शिवधाम में अपने दर्शन करें, और वहाँ के सारे कल्चरल प्रोग्राम का 3 दिन का इवेंट है वहाँ पे स्टार्ट होगा कल्चरल इवेंट और शिव बारात के साथ, उस सब का आनंद लें और 2nd डे दर्शन करें, और 3rd डे हमारा वहाँ पे एक दंगल ऑर्गेनाइज करते हैं हम दंगल कमेटी के साथ, उसका भी एक आके पार्टिसिपेशन दिखाएँ। इस पे श्रद्धालुओं को और बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म विभाग से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अब आपने देखा पहले से यात्रा का ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बार के शिवखोड़ी फेस्टिवल की भी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी। हर साल डिपार्टमेंट पीरखो में और शिवखोड़ी में ही करता था शिवरात्रि फेस्टिवल, इस बार हमने परमंडल भी ऐड किया है। हम इसीलिए ये नए आपके हमारे स्थान जो हैं वो जोड़ रहे हैं अपने साथ, ताकि लोगों को हम बता पाएँ कि हम एवरी प्लेस इज़ ओपन और हर जगह हम बिल्कुल वेलकम करने के लिए यात्रियों को बिल्कुल तत्पर हैं। इसीलिए इवेंट्स हम रेगुलरली अब फीचर, आज खुद में भी एक इवेंट है हमारा जहाँ पे खुद में जो टुलिप गार्डन है उसके साथ हम एक प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं। सिमिलरली आज यहाँ इवेंट कर रहे हैं, कल हमने जम्मू में गंडोला में एक विमेंस डे सेलिब्रेशन का इवेंट किया है। सिमिलरली नेक्स्ट वीक आप देखेंगे रजौरी पुंछ में भी एक एक इवेंट्स हम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोगों को इन इवेंट्स के थ्रू ये मैसेज दे पाएँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट हर सेक्टर के साथ ओपनली बिल्कुल वेलकम करने के लिए खड़ा है, हमारे साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं लोकल स्टेक होल्डर्स, और ये मैसेज क्लियरली हम लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर इज ओपन फॉर ऑल द टूरिस्ट, प्लीज़ वेलकम, प्लीज़ विजिट अस, वी आर रेडी टू वेलकम यू हियर, थैंक यू। जो भी आदमी कटरा के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जब यात्रा भरेगी वो आदमी होटल में भी रुकेगा, वो आदमी ड्राई फ्रूट भी लेगा, वो ट्रैवल में सफ़र भी करेगा और हर एक का बिजनेस बढ़ेगा। तो इस लिए हम जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है हम भर चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और उनका एक पूरा साथ देते हैं, और हम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ जहाँ जिस जिस कदम पर भी एक प्रयास की ज़रूरत है वो कर रहे हैं, और इस तरीके के फेस्टिवल्स, इस तरीके के त्यौहार और इस तरीके का इवेंट जो है वो यात्रा को बढ़ाने में एक बहुत कारगर रोल अदा करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक एक रहा है और लोगों को अभी ये विश्वास दिलाना कि अभी हालात कमोबेश ठीक हो गए हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स को फिर दोबारा रिस्टोर करने के लिए ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ और आपके माध्यम से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आएँ। कटरा के लोग और यहाँ का टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े हुए हर एक आदमी बाहें फैलाए हुए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, और आपके लिए फैसिलिटीज़, आपके लिए अरेंजमेंट, आपके लिए हर एक चीज़ बहुत बेहतर, बहुत अच्छी। पिछले दिनों हमने देखा कि लखनपुर में फिर से जो है